दिल्ली छोटा हो गया दिल बहुत यार। हाँ ठीक है चिंता होगी थी यार सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ बहुत शंकर भगवान की जय। सो असी इस वक्त खड़े हाँ जी बालटाल दे विच और जिथे की भारी बरसात हो रही है और कल उत्थे शामी बदल फटिया उपर गुफा दे विच जिथे की बहुत ही भारी नुकसान होया और कई कीमती जाना गई ने और इस वक्त साड़ियां इत्थे अमृतसर खड़ियां ने जी। बालटाल अज इत्थों यात्रा शुरू होंदी है और इत्थों की यात्रा हैगी जी कोई 16 किलोमीटर। सो साढ़े 5 लड़के उपर गए थे जी मत्था टेकन वास्ते और जिदे विचों दी 3 लड़के रस्ते विच बरसात होने लग गई थी जिहदी वजह दे नाल उन्हां नूं फौजियां ने वापस भेजता सीगा और साढ़े 2 लड़के उपर गए ने जिन्हों का कि हाले कुछ अत पता नहीं चलिया है और कई बार उन्होंने फोन मिलता कई बार नहीं मिलता। सो असी अपन इतने अमृतसर के नाल साड़ी है मेरी पूरी टीम है मुकेश नायक है मनी जी राहुल जी असी सारे इतने अपनी सेवा के इतने प्रॉपर तरीके डटे हुए हैं। आओ गल करते हैं जी इतने मरीजों के नाल जो यात्री ने। हाँ जी जय भोले नाथ जी तो आप कहाँ से आए हैं? हम अभी पीछे से यात्रा से आ रहे हैं। यात्रा से आ रहे हैं और जिस वक्त ये गुफा में बादल फटा तो उस वक्त आप वहीं पे थे? जी वहीं पे थे जी। तो कैसा आलम था वहाँ पे कैसा मंजर था? हम एक्चुअली वहाँ पे गुफा से निकलते थोड़ी आगे जाके एक टैंक था। हम वहाँ पे बारिश हो गई थी तो पहले खाना वाना खाया बारिश हुई तो हम वहाँ पे रुके तो रुके तो पीछे से उस टेंट के 8-10 बच्चे भाग के आए। अच्छा तो वहाँ से बहुत जोर से दो पहाड़ों से बहुत तेज पानी आ रहा था तो मेरे बच्चे उसी में थे अंदर तो अच्छा। मैंने लेके भागा मैंने कहा वहाँ चलते हैं तो हम लोगों ने बोला गुफा की तरफ भागो। अच्छा हम गुफा की तरफ भागे तो गुफा के ऊपर से पानी आया और वहाँ से कम से कम 5-6 बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए आए। ओहो तो हम फिर राइट में एक टेंट था हम उसके अंदर घुसे अराउंड 200-300 लोग हम उसके अंदर भागे थे कि कुछ लोग वहाँ से नदी की तरफ कूदे। ऊपर तो सारा खाली करवा दिया जी उन्होंने सारा खाली कोई यात्री नहीं है ऊपर सब यात्री कुछ तो बालटाल के रास्ते इधर आ गए कुछ पंचतर नहीं भेज दिए बहुत तबाही मच गई है। 13 तो डेड बॉडी निकाल दी उन्होंने 13 लोग डेड हो गए हैं। हमें तो यही पता था बाढ़ आई है क्योंकि हम तो अंदर थे रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि आधे जने अंदर थे आधे बाहर थे। पहले हमने पंचतरणी का रास्ता पकड़ा उसके बाद बीच में से निकलता है बहुत ढलान से हमने बालटाल का रास्ता पकड़ा है। 5 जने थे वो आ गए सभी आ गए हो ना? कोई नहीं आया अभी। अभी कोई नहीं आया फर्स्ट अभी आप ही आए दोनों? हाँ। और बच्चे कहाँ हैं आपके? उनका भी मालूम नहीं पड़ रहा है। बच्चों का मालूम नहीं पड़ रहा जब बदल पड़ा था ना? हाँ तब हमारे सामने हुआ। अच्छा बदल आपके सामने फटा है? सामने पड़ा जो पहाड़ गिरा वो हमारे सामने गिरा। अच्छा पहाड़ भी आपके सामने गिरा? हम 2 बच्चे थे ने 2 लेडीज थी साथ में। 2 लेडीज थी और 2 बच्चे थे? हाँ 5 में मैं था। तो बच्चों के साथ अभी आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा कोई फोन वगैरह? कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे? नहीं हो रहा अभी। तो बच्चों के जो आपके बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 12 साल का है। एक 12 साल का बच्चा है? एक 16 साल का है। एक 16 साल का बच्चा है। तो जिस वक्त बादल फटा तो उस वक्त वो उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे मालूम है? गुफा गुफा के सामने देख रहे थे जब बरसात गिर रही थी। बरसात हर साल आती है तो हमको ऐसा इतना मालूम था उनको हम बाहर उठा के लेके आए ओवर सोए हुए थे उसके जो टेंट में जो पेहा ना टेंट उसके बीच में खड़े थे हम लोग। अच्छा हमारे आंखों के सामने हुआ जो कुछ हुआ हमने देखा ना जो अपनी आंखों से देखा आपने सब बदल जो फटा है उसके बीचों बीच ही हम थे। पानी का जो बाढ़ आया भाव आया हाँ जो शिलावृष्टि जब हो रहा था बर्फ का जब बारिश आया तो वो उसके जस्ट पहले ही वो हम जो जो हमारा अंकल जी है थोड़ा बहुत क्रॉस किया और एक आदमी है उधर काली मंदिर की जहाँ से टॉप का लास्ट जो दिखता है गुफा वहीं से वो तब थे जब ये बाढ़ आया। अच्छा तो ये थोड़ा बहुत उनकी आंखों में भी आया और हम जब थोड़ा पहले आ गया जो पानी का जो स्रोत था वो काला एक बार कीचड़ के साथ जो बह रहा था देख कर ही पता चलता है कि कितना भयानक है कितना खतरनाक है। और इस बात को तो जरूर बताना चाहिए कि यहाँ का जो सरकार है हमारा जो इधर का जो आर्मी इंडियन आर्मी बहुत हेल्पफुल है। अगर वो ना होते तो ना जाने क्या होता। तो अगली बार आप अपना दोबारा फिर आओगे क्या? हाँ हमारा कोशिश तो जरूर आएगा आएंगे जी बोलेंगे दीवाने ये कहते चाहे बाढ़ आ जाए चाहे आंधी आ जाए चाहे दरबार पे जरूर आएंगे माथा टेकने जरूर आएंगे
ये वाला ना मैं जिंदगी जैसा वाला मंजर देखा ही नहीं और ना मैं कभी देखना चाहूँगा। वहाँ बंदे रुड़ रहे हैं, मतलब कि किसी ने किसी चीज़ की कोई वो नहीं है भी मेरा कोई समान पे है, सारे अपनी जान बचाने को भज रहे। अच्छा फौजी कह रहे भी निकलो अमरनाथ देख ही लो जो चीज़ उत्थे हुई उत्थे भी बदले फटिया उत्थे भी एवं ही लोग रुड़े सके। मैं मत्था टेक के आया एक घंटा से उत्थे गुफा से रुके रहे, जो मैं मत्था टेक के वापस आया मेरे मूहे 15 लाशां पईआं सी। हले रस्ते च ऐसे ऐसे लेडीज़ आ जिहड़ी रो रही आ जिन्हां दे बच्चे नहीं मिल रहे या जिन्हां दे घर वाले नहीं मिल रहे। एक वो दस रहे सीगे भी साढ़े नाल 12 बंदे आए, सिर्फ 2 बंदे पता, बाकी 10 बंदे पता नहीं, कहिंदे उह टेंट च सीगे पता नहीं। हाँ रात भी असीं इत्थे कई हाथे चक्के आ जिहड़े कह रहे सीगे बहुत बुरा। तुहाडे हिसाब नाल किन्नियां उत्थे मौतां हो सकदियां ने? आईडिया जिहड़ा अंदाजा दस रहा मैं, घट्ट तो 50-60 तो सूँ पता ही है जी है ही उत्थे कन्फर्म। हाँ जी कन्फर्म आ, उस तो बाद कट रहे हैं। एक्चुअली ये ग्लेशियर आ बर्फ वाला, वो थले लोग फसे हुए हैं जो कि किसी ने भी नहीं पता कितने जी। साडा इन्हां दे नाल प्रोग्राम बनया सीगा अपना 5 जाने का, असी अपना 3 जाने ये साढ़े तो गए ने जी 4 बजे, तो 4 बजे गए ना, तो असं निकले हाँ जी 6 बजे और अगे कि अचानक अपना बरसात पैन लग गई ज़्यादा और सानू फौजिया ने उत्थों भेजता वापस भी इस वक्त यात्रा मुश्किल हो जाएगी, असं वापस आ गए हैं। तो ये साढ़े नाल के साथी उत्थे फस गए। सो भोलेनाथ का एडी कृपा रही है कि ये सारे ठीक ठाक आ गए ने और जिहड़ियां इन्हां दे नाल रिश्तेदारां दियां बच्चियां दियां अपना घरवाली दियां डैडी दियां मम्मी दियां सारियां दियां दुआवां। इहदे पापा दा एड्डा बुरा हाल सीगा, अपना फोन करके कम होया ना, मैं उत्थे बैठा रोंदा पिया सी। दो मुंडिया ने इंसानियत की मिसाल पैदा की। जतिन जी मैं उत्थे बैठा रोंदा पिया सी, ये दोनों भरा मेरे कोल आए। ये मुंडा कित्थे दा ने? ये मुंडा रोहतक दा जी, ये दिल्ली दा। अच्छा तुसीं दिल्ली तों? ये मैनू यानी कि बराड़ी टॉप तक ये मुंडे मैं हिम्मत पूरी हार चुकिया सी। मैं इन्हां नूं ये कहता मैनू इत्थे छड्ड जाओ, मेरा जो होना देखी जाओ, मेरा रब जाणदा। अच्छा मुंडे दोनों मैनू खिच के लैके आए उत्थों। अपने घर में बता दिया सब कुछ, हम ठीक ठाक है। चलो देखो जी इंसानियत सबसे बड़ी है, देखो अब यहाँ पे इंसानियत ही काम आ रही है। एक दूसरे के किसी का मोबाइल गुम हो गया होगा वहाँ पे, किसी के पैसे गुम हो गए होंगे, लेकिन किसी ने उनको नहीं देखा होगा। हर बंदा अपनी जान बचाने के चक्कर में था और ये सब इंसानियत के करके ही है। ठीक हो सारे? चलो फिर चले आओ, अब आपको नहलाते हैं धुलाते हैं, उसके बाद आपको लंगर खिलाते हैं। बैठो गाड़ी में।